जोनल अस्पताल धर्मशाला में पिछले एक साल से 5 जिलों के 60 कोविड संक्रमित महिलाओं का नॉर्मल व सिजेरियन सफल प्रसव करवाया गया है। धर्मशाला अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज हीर ने बताया कि कोविड काल में अब तक कोविड अस्पताल धर्मशाला में जहां संक्रमित गर्भवती महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है, वहां 60 सफल प्रसव करवाए गए हैं और नवजात बच्चों में से एक भी बच्चा संक्रमित नहीं पाया गया है। उन्होंने बताया कि संक्रमित महिलाएं हालांकि अपने बच्चों को दूध पिला सकती है, लेकिन इसके लिए भी आवश्यक सावधानी अपनाना जरूरी है। इस संबंध में जब महिला को अस्पताल से छुट्टी दी जाती है तो विस्तार से उन्हें पूरी जानकारी भी दी जाती है। अभी तक जब से कोरोना शुरू हुआ है यहाँ पे, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जब से यहाँ शुरू हुआ है, तब से टोटल 60 डिलीवरीज हम करवा चुके हैं। इसमें मेनली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अलग अलग हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट चंबा, डिस्ट्रिक्ट ऊना और बीच बीच में हमीरपुर के भी कुछ पेशेंट्स आए। टोटल जब हम पिछले साल हमने जो डिलीवरीज करवाई थी उसमें से 33 हमने सिजेरियन के थ्रू कराई थी और बाकी 12 नॉर्मल डिलीवरीज हुई थी, और इस साल हमने 13 सिजेरियन के थ्रू करवाई हैं और 12 नॉर्मल डिलीवरीज करवाई हैं, क्योंकि मेनली इसे ऑपरेटिव डिलीवरीज के लिए ही पेशेंट्स यहाँ रेफर होते रहे हैं।